हाई गाइस वेलकम टू जस्ट परफेक्ट नॉलेज आज हम देखेंगे डेटावेयर हाउस के सम टॉपिक्स जो सिलेबस में है यह वीडियो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत यूज़फुल होने वाला है अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है वॉट इज़ डेटावेयर हाउस डरने की कोई बात नहीं डेटावेयर हाउस का कंसेप्ट बहुत ही ईजी है वेल well, अब हम हाँ डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन समझते हैं वॉट इज डेटा वेयर हाउस डेटा वेयर हाउस इज़ अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड नॉन वल टाइम वेरिएंट कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट्स डिसीजंस डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इट डेटा वेयर हाउस बहुत बड़ा होता है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का मतलब यह होता है कि डेटा जो वेयर हाउस में स्टोर होता है वह अलग अलग फॉर्मेट में होता है मल्टीपल लैंग्वेज में डेटा स्टोर होता है उसको एक ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है नॉन वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का मतलब यह होता है कि जो डेटा बेस में डेटा स्टोर होता है उस डेटा को एक ही बार हम एड कर सकते हैं उसको डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते नेक्स्ट टाइम वेरिएंट टाइम वेरिएंट क्या होता है कि टाइम वेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो डेटा स्टोर होता है डेटा हाउस में उसमें हम डेटा ऐड करते जाते हैं वो जो पुराना डेटा होता है उसको हम इजीली डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं और पुराना डेटा हम फाइंड करने के लिए टाइम वेरिएंट का यूज़ करते हैं एस आई एन टी एस आई एन टी का मतलब यह होता है एस मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड आई मतलब इंटीग्रेटेड एन मतलब नॉन वोलटाइल टी मतलब टाइम वेरिएंट यह शॉर्ट फॉर्म है डेफिनेशन का जो हम इजीली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं नेक्स्ट क्या है बिग कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल डेटाबेसेस इसका क्या मतलब होता है कि फ़ॉर एग्जांपल एक कॉलेज है उसमें क्या होता है स्टूडेंट की ओल्ड डिटेल्स फैकल्टी के पास होती है सभी डिपार्टमेंट के फैकल्टी के अपने अपने एच होते हैं फैकल्टी ओल्ड डिटेल्स एच को देते हैं ये एच कॉलेज का मैनेजमेंट करता है एक व्यक्ति जो उसको वो सारी डिटेल्स स्टोर करनी पड़ती है वो कॉलेज का मैनेजमेंट करता है तो उसमें क्या होता है कि बड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है डेटा वेयर हाउस में क्या होता है कि सभी डाटा के डेटा बिग डेटा मतलब कि डेटा वेयर हाउस में सीधा स्टोर होते हैं नेक्स्ट हम डीप में समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा हाउस यहाँ हमें चार कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है जो हम डेफिनेशन में आगे देख चुके हैं फर्स्ट सब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अटोर बाई सब्जेक्ट नोट बाई अ एप्लीकेशन दिस एबिलिटी टू डिफाइन अ डेटावेयर हाउस बाई सब्जेक्ट मेटर सेल्स इन धिस कैश मेक्स द डेटावेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें क्या बताया गया है कि डेटावेयर हाउस का जो डेटा स्टोर होता है वह सब्जेक्ट के थ्रू स्टोर होता है एप्लीकेशन के थ्रू नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल एमेजोन की जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग ब्रांड्स होती है उसमें कितनी सेल्स हुई है किस ब्रांड में कितने रिव्यू है ऐसे ही वेयर हाउस में भी अपने अपने डेटा होते हैं और उसको डिवाइड किया जाता है सेकेंड इज़ इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन इज़ अ क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा वेयर हाउस इज मस्ट पुट डेटा फ्रॉम डिस्प्रेट सोर्सिस इनटू अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट इसमें क्या होता है कि डेटा हमें जब मिलता है तो वह डेटा अलग अलग लैंग्वेज़ में मिलता है कोई एस पी डॉट नेट यूज़ करता है तो कोई जावा सिरसाप ऐसी कई लैंग्वेज़ में डेटा मिलता है उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है जिससे इजीली डेटा फाइन करके और उसको यूज़ किया जा सके थर्ड वन इज़ अ नॉन वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मीन्स दैट वॉन्टर्ड इन टू द डाटावेयर हाउस डेटा शुड नाट चेंज इसमें क्या बताया गया है कि जो डेटावेयर हाउस में डेटा स्टोर होता है वो एक ही बार होता है उसमें हम डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते ओनली सिलेक्ट कर सकते है फोर्थ इज टाइम वेरियंट और टाइम वेरियंट इज़ अ डेटावेयर हाउस फोकस ऑन चेंज अवर टाइम इज़ वॉट इज मींट बाय द टर्म टाइम वेरियंट इसमें क्या होता है कि इसका मतलब कि पास्ट हिस्टोरिकल डेटा उसमें स्टोर होता है सपोज़ अमेजोन से कोई हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं बाय करते हैं तो पुरानी जो प्रोडक्ट हमने खरीदी है डेटा उसका स्टोर ही रहता है मतलब कि हम वेयर हाउस में डेटा ऐड करते हैं जो पुराना डेटा रहता है वह हम देख सकते हैं कि क्या और कौन से डेटा हमारे पास थे और कौन से डेटा अब हम ऐड करने वाले हैं तो यह थी वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपको वेयर हाउस की डेफिनेशन अच्छे से याद रह गई होगी नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक वेयर हाउसिंग टूडे वेल टुडे मोस्ट वेयर हाउसेस आर यूज्ड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस टू एनहानस सी आर एम एंड डेटा माइनिंग सी आर एम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिजनेस इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है बी आई तो हम आगे देखते हैं फर्स्ट हमें बी आई दिया गया है इट सीम्स दैट मैनी वेंडर्स प्रीफर टू यूज द टर्म्स बिजनेस इंटेलिजेंस रादर देन डेटा वेयर हाउसिंग इसमें क्या दिया गया है कि हमारे पास जो वेयर हाउस में जो फाइल स्टोर होती है वह एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर होती है उसको ई प्रोसेस की हेल्प से यूज़र को वह डेटा सर्व किया जाता है सेकेंड वन इज़ अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड एनालिस इंफॉर्मेशन अबाउट देर कस्टमर्स इसमें क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति है एक पर्सन है वह उसकी प्रोसेस और परफॉर्म से अपनी कंपनी में बिजनेस या नॉन बिजनेस को मैनेज करता है थर्ड वन इज डेटा माइनिंग डेटा माइनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑटोमेटिकली सर्चिंग लार्ज स्टोर्स ऑफ डेटा टू डिस्कवर पैटर्नस एंट्रेंस थेट गो बियड सिम्पल एनालिसिस इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो बिग नंबर्स ऑफ डेटा है उसको स्टोर करके उसको सही पैटर्न यानी कि डेटा को सिंपल वे में एनालिसिस करके उसका यूज़ किया जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं थर्ड जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर ट्रेंड्स इन डेटा वेयर हाउसिंग सेवरल फ्यूचर ट्रेंड्स इन डेटा वेयर हाउसिंग टूडे आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सर्च सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड रियल टाइम डेटा वेयरहाउसिंग इसको हम डीप में समझते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैन बी थॉट ऑफ एज डेटा थेट नॉट एक्टिवली मैनेज्ड इन अ ट्रांजैक्शनल सिस्टम इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो डेटा होते हैं उसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है इसके लिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज़ किया जाता है उससे हम वन वे में डेटा को वन लाइन में स्टोर कर सकते हैं और इजीली हम उसको समझ सकते हैं नेक्स्ट सर्च दिस सेक्शन आंसर द सेकंड क्वेश्चन हाउ डू यू गेट द इंफॉर्मेशन आउट द आंसर इज बाय सर्चिंग इसमें क्या होता है कि मल्टीपल डेटा हम सर्च करते हैं कभी हम इमेज कभी तो वीडियो कभी हम स्टेटस हम जो सोच नहीं सकते उतना डेटा सर्च होता है नेक्स्ट सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एस ओ ए इज अ स्टाइल ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द अदर कंपोनेंट्स बाय एप्लीकेशन कंपोनेंट्स थ्रू अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर अ नेटवर्क इसका क्या मतलब है कि हम जो डेटा सर्च करते हैं उसको इटीयर की प्रोसेस के यूज़ से उसके कंपोनेंट अपने आप इट सेल्फ यूज होते नेक्स्ट वन रियल टाइम डेटा वेयर हाउस अ डेटा वेयर हाउस अ फ्यू ईयर्स अगो वॉज यूजली एवरी डे और एवरी वीक इन द पास्ट टू और थ्री ईयर्स देर हैज़ बीन मोर एंड मोर डिमांड टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अपडेट्स पहले क्या होता था, था कि हम वेयर हाउस कम यूज़ करते थे और हम अब डे टू डे उसमें इतने डेटा स्टोर करते हैं कि वेयर हाउस की डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ गई है और वे आजकल ट्रेंड में है सो so गाइस यह थे आज के हमारे टॉपिक्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू